अंडरग्राउंड मनी रैट। सिंगनापुर नाम के गांव में दीपदास और रामदास नाम के दो भाई रहते थे। उनके पिताजी ने उन दोनों को एक बड़ी हवेली और काफी सारा संपत्ति सौंप कर चल बसे थे। वे दोनों अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से जी रहे थे। दीपदास की एक बेटी थी, रामदास का टिंकू नाम का बेटा था। टिंकू एक चूहे को पाल रहा था। उसने उसका नाम कटर रखा था क्योंकि वो अपने मजबूत दांतों से लकड़ी के सामान को, यहाँ तक कि लोहे की वस्तुओं को भी काट देता था। टिंकू हर रोज कटर को सेब और टमाटर खिलाता था। एक दिन टिंकू की मम्मी, अरे बेटा, लोग तो कुत्ते या बिल्ली को पालते हैं, पर तुम तो अजीब हो, चूहे को पाल रहे हो। उसका दांत वीको वज्रदंती से साफ करते हो क्या? वो तो लोहे को भी काट देता है। हाँ, वो तो केवल पुरानी वस्तुओं को ही काटता है। उसने अब तक तो हमारा कोई नुकसान नहीं किया। वैसे कुत्ते और बिल्ली ही जानवर है क्या? बेचारा चूहा भी एक जीव है और उसे भी भूख लगता है। वो भी इंसान के करीब आना चाहता है। हम ही है जो डर कर उसे दूर करते हैं। बस कटर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ओफो, तुमसे बात करना ही बेकार है, कहकर चली गई। एक दिन दीपदास अपने छोटे भाई रामदास को बुलाकर, भाई, इस गांव में हमारी काफी संपत्ति है, पर हम अपनी संपत्ति का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अपने बैंक का खाता भी खाली हो गया है, इसीलिए हम अपनी सारी संपत्ति को पैसों में बदल देते हैं। उन पैसों से सिंगापुर जाकर कोई बढ़िया सा बिजनेस करते हैं। अब तुम सोच लो कि सिंगनापुर में आम जिंदगी जीना है या सिंगापुर में एनआरआई का जिंदगी जीना है। मैं ये सब कुछ नहीं जानता दादा, मैंने कभी आपकी बात को नहीं टाला है। आप जो कहोगे वो ही करूँगा। दीपदास बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को शहर के किसी बड़े बिजनेस मैग्नेट को बेच दिया। यूं मिले पैसों को एक कंटेनर ट्रक में भरा वे अपने गांव के लिए रवाना हुए। वे आगे कार में जा रहे थे तो कंटेनर ट्रक उनके पीछे पीछे जा रहा था। तभी एक चोरों के गिरोह ने उनकी गाड़ी को रोका। दीपदास और रामदास को पिस्तौल दिखाया। वे दोनों डर गए। वे चोर उस कंटेनर ट्रक और कार को लेकर चले गए। कुछ दिनों बाद दीपदास और रामदास ने पास पास ही दो झोपड़ियां बनवाई। एक दिन दीपदास रामदास के पास आया, मुझे माफ करो भाई, मेरे वजह से ही अपनी सारी संपत्ति चली गई। पुलिस ने भी कह दिया है कि अब ये चोर पकड़े नहीं जा सकते, अब गरीबी में ही जीवन व्यतीत करना होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है भाई, कहकर सिर पीटने लगा। दादा आप चिंता ना करो, आपने तो हम सबकी भलाई के लिए ही सोचा था ना, पर अगर अपनी किस्मत में यही लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं? बताइए, कोई ना कोई काम करके गुजारा कर लेंगे दादा, जो बीत गया उसे भूल जाइए। एक दिन दीपदास के घर के पास एक ट्रक आकर रुकी। उस ट्रक में से एसी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन को उतार रहे थे। दीपदास ने उन्हें अपने झोपड़ी में रखवाया। टिंकू ने ये सब देखा, वो हैरान हो गया। उस दिन शाम को काम से लौटे रामदास और पूजिता से टिंकू ने ये सब बताया। अरे तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतनी महंगी वस्तुएं खरीदने के लिए दादा के पास पैसे कहाँ हैं? पता नहीं तुमने क्या देखा और तुमने क्या समझा, चुपचाप जाओ यहाँ से। मैं सच कह रहा हूँ, यकीन ना हो तो दिखाता हूँ। वे तीनों उस झोपड़ी के पास गए, देखा तो उस झोपड़ी में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली था। टिंकू हैरान हो गया। तुम्हारे बातों में आकर मैंने दादा पर शक किया, मुझे जरूर पाप लगेगा, कहकर चला गया। टिंकू परेशान हो गया। अगले दिन दीपदास की झोपड़ी पर स्विगी द्वारा पिज्जा का डिलीवरी हुआ। दीपदास उसे लेकर अंदर गया। टिंकू तुरंत उसके झोपड़ी के खिड़की के पास गया। दीपदास ने झोपड़ी के फर्श पर एक दरवाजा खोला, सीढ़ियां उतरकर अंदर गया। टिंकू भी चुपके से सीढ़ी उतर कर गया। नीचे जाकर झांक के देखा, वहां सारी सहूलियतों के साथ एक बड़ा घर था। एक और बहुत सारे रुपयों का ढेर था। टिंकू को सारी बात समझ में आ गई। अच्छा, ताऊ जी ने ही चोरों को कहकर पैसे चुराने के लिए कहा था। हम यहाँ रोटी के लिए जी तोड़ के मेहनत कर रहे हैं और ये पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। इतना बड़ा धोखा, ऐसा फरीब, उसने सोचा। टिंकू तुरंत कटर के पास गया।
अरे कट्टर, अब तू ही मेरा मदद कर सकता है। यदि मैं ताऊ जी के बारे में बताया तो पिताजी विश्वास नहीं करेंगे। अंडरग्राउंड हाउस कहा तो बिल्कुल भी नहीं विश्वास करेंगे। एक चूहे को बिल से निकाला हो तो दूसरे चूहे को बेचना ही सही है। तुम अपना दांतों के बल और बुद्धि बल से किसी तरह उन्हें पकड़वाना होगा, ठीक है कट्टर? ऐसा कहा। टिंकू ने कट्टर को दीपदास के झोपड़ी के अंदर छोड़ दिया। कट्टर ने वहां खोदना शुरू किया। वो यूं जमीन के अंदर वीडियो गेम की तरह धीरे धीरे कुरेदना शुरू किया। अंत में कट्टर उस अंडरग्राउंड हाउस में प्रवेश कर गया। वहां के रुपयों के बंडल को देख के उन्हें कुतरने लगा। शाम को उन कुतरे हुए रुपयों को देख कर दीपदास, रे लगता है यहाँ कोई छचंदर है, अब तक 2 लाख तक कुतर गया है, तुरंत कुछ करना होगा। उन रुपयों के पास उसने एक चूहा दान रखा। बाद में कट्टर उस चूहेदान के पास जाकर, टिंकू ने मुझे यूट्यूब में बहुत सारे चूहादान दिखा चुका है, फिर से रुपयों को कुतरने लगा। कुछ दिनों बाद दीपदास, ऐसा ही छोड़ा तो सारे रुपए कुतर जाएगा, अब उस चूहे को पकड़ना मुश्किल है, पैसों को ही कहीं और रखना होगा, ऐसा सोचा। उस रात को दीपदास एक कंटेनर में पैसे चढ़ा रहा था, तभी टिंकू अपने माँ बाप, गांव के मुखिया और कई गांव वालों के साथ वहां आया। दीपदास दंग रह गया। लानत है दीपदास, नीच, अपने ही भाई को धोखा दे रहे हो, अभी पुलिस को बुलाकर गिरफ्तार कराता हूँ। रहने दीजिए मुखिया जी, कुछ भी हो वो है तो मेरे दादा ही, मैं नहीं चाहता कि वे जेल जाएं, मेरे हिस्से का पैसा मुझे मिल जाए तो काफी है। दीपदास की आंखें भर आईं। दीपदास भाई, पैसों की लालच में आकर तुम जैसे हीरे को ही मैंने धोखा दे दिया, मुझे माफ करो भाई। सबने टिंकू की प्रशंसा की। सब अपनी संपत्ति के साथ खुशी खुशी रहने लगे। रामदास, पूजिता और टिंकू कटर को प्यार से देखने लगे। मास्क बफेलो। लकड़ी का पुल नाम के गांव में चोपड़े नाम का एक चोर रहता था। वो मुर्गियां बकरियां चुराकर दूसरे गांव के हाट में बेचा करता था। कई बार गाय और बैल को भी ले जाकर चुराकर बेचता था। चुराए हुए जानवरों के बारे में कहानियां बनाकर लोगों को बेचता रहता था। एक बार एक व्यक्ति को वो एक बैल दिखाकर, देखा उसका चश्मा कितना बढ़िया है, ये बैल फिल्मों में काम करता है, आपको बाहुबली फिल्म में बैलों को अपने सींग में आग लगाकर भागने का सीन याद है, प्रभास भी उन पर सवार होकर जाता है ना, उन बैलों में ये भी था, इस पर भी एक पैर रखकर वो गया था, जल्दी खरीद लो वरना किसी और को बेच दूंगा। एक बार वो एक बैल को चुरा कर उसे मास्क पहना कर ले जाने लगा। रास्ते पर चेक पोस्ट पर पुलिस ने उसे रोका। तुम्हारा नाम क्या है? आजकल यहाँ भैंसों की चोरी बहुत हो रही है, क्या ये तुम्हारी भैंस है? इसका सबूत क्या है? साहब ये क्या इतना शक करते हैं? अरे मैं ही इसका मालिक हूँ, मेरे भैंस को वायरस हुआ है, सुना है ये वायरस जानवरों को भी लगता है, इसीलिए शहर के किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखाने ले जा रहा हूँ। मालिक हूँ तभी तो इतना जोखिम उठाकर ले जा रहा हूँ, अगर इतना ही शक है तो उसका मास्क हटा देता हूँ, फोटो खींच लीजिएगा, अगर वो छींके और वो वायरस आपको लग जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ साहब, कहकर उसका मास्क उतारने लगा। बस पुलिस वाले वहाँ से भाग गए। उस गांव में गोखले नाम का एक किसान रहता था। उसके पास एक बैल था, उस बैल का नाम था माइक टाइसन। वो बहुत बलवान था और बुद्धिमान भी था। उसे जो पसंद नहीं था वो उसे सींग मारकर उठाकर दूर पटकता था। एक दिन चोपड़े ने गोखले को अपने बैल के साथ जाते हुए देखा। अरे वाह, इतना हट्टा कट्टा बैल है, इसे चुरा कर बेचा तो खूब पैसे मिलेंगे, ऐसा उसने सोचा। उस रात को चुपके से आकर टाइसन को चुरा कर ले गया। चेकपोस्ट के पास पुलिस ने उसे फिर रोका। अरे परसों जिसे ले गया था
ये उसका भाई है साहब, इसे भी वायरस लग गया है, मास्क निकालता हूँ देखिए, कहकर निकालने लगा। बस पुलिस वाले फिर से वहां से भाग खड़े हुए। अगले दिन जब टाइसन दिखाई नहीं दिया तो गोखले चिंतित हुआ। उसने उसे गांव भर में ढूंढा, गांव में पोस्टर भी चिपकाया, उस पर टाइसन के फोटो के साथ लिखा था, लापता है, नाम है माइक टाइसन, उम्र 5 वर्ष, लाने वाले को इनाम दिया जाएगा, गोखले, फोन नंबर 9494321 56। फिर भी उसका पता नहीं चला तो गोखले चिंता में पड़ गया। तभी उसकी पत्नी धनलक्ष्मी, ये चिंता करने से क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया, अब हाट को जाओ और एक नया बैल खरीद करके लाओ, हम उसका नाम न्यू टाइसन रखेंगे और ये दुख हम भूल जाएंगे, जाइए जाइए। इस तरह गोखले हाट में गया, वहाँ चोपड़े, आओ भाई आओ, तंदुरुस्त बैल, ताकतवर बैल, आओ आओ भाई आओ, कहकर आवाज देने लगा। गोखले को देखकर टाइसन कहकर आवाज देने लगा। गोखले ने उसे पहचान लिया और, क्यों भाई, ये तो लगता है कि मेरा बैल है जो गुम हो गया था, उसका मास्क हटाना, उसका चेहरा मैं देखता हूँ। अरे कौन हो तुम, इसका मालिक मैं हूँ, मैंने वो मास्क इसलिए लगाया है क्योंकि उसे जो भी चीज दिखे खाने की आदत है, वैसे ये मेरा बैल है और ये मेरी मर्जी, पूछने वाले तुम कौन हो, जाओ यहाँ से, कहकर उसे डांटने लगा। गोखले को शक हुआ तो वो गांव के अधिकारी को लेकर वहां आया। सरकार, ये हो ना हो मेरा ही बैल है, उसका नाम टाइसन है, उसने मुझे पहचाना और आवाज भी दिया। अरे साहब ये झूठ बोल रहा है, ये मेरा बैल है, वैसे इस बात का क्या सबूत है कि ये बैल उसका है। सरकार आप एक परीक्षा रखिए, हम दोनों उसके सामने लड़ने का नाटक करेंगे, कोई भी जानवर अपने मालिक पर हमला होता देखकर चुप नहीं रहेगा ना, तब आप उसे छोड़ दीजिएगा, फिर देखिए वो क्या होता है। मैं ऐसे फालतू परीक्षा के लिए राजी नहीं हूँ, ये मेरा बैल है, आप दोनों यहाँ से जाइए। क्यों भाई, तुम मुझे ही जाने को कह रहे हो, हा? तुम्हारी ये हिम्मत, इसकी बात में सच्चाई है, तुम्हें इस परीक्षा में भाग लेना ही होगा, वरना तुम्हें मानना होगा कि ये बैल तुम्हारा नहीं है, मंजूर है। लाचार होकर चोपड़ा परीक्षा के लिए मान गया। दोनों उसके सामने खड़े होकर जोर से चिल्लाते हुए ए, ए, कहते हुए लड़ने का नाटक करने लगे। तभी उस अधिकारी ने बैल को खोल दिया। बस टाइसन गुस्से में दौड़ता हुआ आया और चोपड़े को जोर से सींग मारकर दूर गिरा। चोपड़ा एक कीचड़ में जाकर गिरा। टाइसन गोखले के पास गया और करने लगा, चोरे नीच, इतने दिन इस इलाके में तुम ही चोरी कर रहे थे, पुलिस तुम्हारी खबर लेगी। बाद में पुलिस ने आकर उसे खूब मारा। गोखले टाइसन को लेकर घर गया और वे दोनों आराम से जिंदगी गुजारने लगे।